नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से हमारे सामने है होंडा यूनिकॉर्न, जिसे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दुआ होंडा से शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और थंबनेल देख के जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज हम लोग करने वाले इस बाइक का हाईवे माइलेज टेस्ट हाफ लीटर में 80-85 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मेरे सामने कोई भी पेट्रोल का बॉटल नहीं है, क्योंकि मैं इस बाइक का माइलेज टेस्ट करके आ चुका हूँ और आज भी मुझे हाईवे में बहुत ही अच्छा माइलेज मिला है। तो आइए सबसे पहले इस माइलेज टेस्ट को देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों, इस बाइक के फ्यूल टैंक में जितना ये पेट्रोल था लगता है वो ख़त्म हो चुका है। और मैं आपको दिखाने के लिए इसमें दो बार सेल्फ ले रहा हूँ। तो आपने देखा इसमें पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। तो आइए इसमें हाफ लीटर पेट्रोल डालते हैं हाईवे माइलेज टेस्ट के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रहा वो हाफ लीटर पेट्रोल जिसका हम करेंगे हाईवे माइलेज टेस्ट। और दूसरे बॉटल में 1 लीटर से थोड़ा कम पेट्रोल है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और पेट्रोल डालने से पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ बाइक स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो आपने देखा ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो आइए अब हम लोग इसमें पेट्रोल डालते हैं हाफ लीटर माइलेज टेस्ट के लिए। पेट्रोल दोस्तों मैंने डाल दिया है और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बाइक स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो आपने देखा दोस्तों, ये बाइक स्टार्ट हो चुका है। तो माइलेज टेस्ट में चलने से पहले इसके ऑडोमीटर और ट्रिप मीटर पर नजर डालते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके ऑडोमीटर में रीडिंग अभी 52.8 और इसके ट्रिप को मैंने 0.0 पे कर दिया है। तो आइए चलते हैं इस बाइक को लेके हाईवे माइलेज टेस्ट पर। और वीडियो के अंत में आप देख पाओगे इस बाइक का एक छोटा सा राइड रिव्यू भी। तो आइए चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमने जो इसमें हाफ लीटर पेट्रोल डाला था लगता है वो ख़त्म हो चुका है। और मैं आपको दिखाने के लिए इसमें दो बार सेल्फ ले रहा हूँ। तो आपने देखा इसमें पेट्रोल ख़त्म हो चुका है और इसमें बहुत ही अच्छा माइलेज मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ।
तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं, अभी इसके ऑडोमीटर में रीडिंग है 75.7 और ट्रिप में रीडिंग है 22.9। तो अगर आप इसे इंटू टू करते हैं तो आज हमें 1 लीटर में माइलेज मिला है 45.8 KMPL का, जो देखा जाए तो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में बहुत ही अच्छा माइलेज है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें मैं पेट्रोल डालता हूँ रिटर्न जाने के लिए और कहीं अच्छी सी जगह पे चल के आपके साथ अपना राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वही 1 लीटर से थोड़ा कम पेट्रोल है जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था, और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें पेट्रोल उतना ही है। और अब मैं इस पेट्रोल को डाल देता हूँ रिटर्न जाने के लिए, और अब मैं बाइक स्टार्ट करके भी देख लेता हूँ दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं एक नए लोकेशन में, और आज का लोकेशन आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मेरे ठीक पीछे काफ़ी बड़ा पहाड़ है और यहाँ आज बहुत ही अच्छी हवा भी चल रही है। और सच बोलूँ तो मुझे भी यहाँ आके काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आज यहाँ पहली बार आया हूँ, और यहाँ का जो लोकेशन है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो आइए बात कर लेते हैं। जैसा कि आज आपने देखा है होंडा यूनिकॉर्न 160 का हाईवे माइलेज टेस्ट, जिसे हमने हाफ लीटर में माइलेज टेस्ट किया था। वीडियो के शुरुआत में आपने देखा था इस बाइक के फ्यूल टैंक में काफ़ी कम पेट्रोल था, तो जहां पर इसके फ्यूल टैंक में पेट्रोल ख़त्म हुआ वहां पे हमने इसके फ्यूल टैंक में हाफ लीटर पेट्रोल डाला, और तब इसके ऑडोमीटर में रीडिंग था 52.8 और ट्रिप को मैंने 0.0 पे कर दिया था। वहां से हम माइलेज टेस्ट के लिए निकले हाईवे में, और हाईवे में मैंने जैसा आपको बताया था कि मैं इसका स्पीड 80-85 किलोमीटर पर आवर रखूँगा, तो मैंने ऐसे ही रखा था। 80 किलोमीटर पर आवर से स्पीड इसका ऊपर ही था, 80 से मैंने नीचे नहीं इसे जाने दिया। और इस स्पीड में राइड करते वक्त जब इस बाइक के फ्यूल टैंक में हाफ लीटर फिर से पेट्रोल ख़त्म हुआ, और तब आपने देखा इसके ट्रिप में रीडिंग था 22.9, तो हाफ लीटर में हमें आज 22.9 KMPL का माइलेज मिला है। तो इसे आप अगर इंटू टू करते हैं तो 1 लीटर में आज माइलेज होता है 45.8 KMPL का, जो देखा जाए तो बिल्कुल न्यू बाइक में 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में बहुत ही अच्छा माइलेज है। और जैसा कि आप सभी ने देखा कि आज मैंने इस बाइक को सिंगल राइड में माइलेज टेस्ट किया और मेरा वेट है 70 kg, तो आप मान के चले कि अगर आपका वेट भी 70 kg या इससे थोड़ा कम रहता है और आप भी अगर इस बाइक को 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक राइड करते हैं तो हाईवे में आपको इस बाइक में भी बहुत ही आराम से 45 KMPL का माइलेज देखने को मिल सकता है। और अगर आपका वेट ज़्यादा होता है, आप डबल राइड में राइड करते हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कम माइलेज देखने को मिले। और इससे पहले वाले वीडियो में जैसा कि आप सभी ने देखा कि सिटी के अंदर भी हमने जब इस बाइक को 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में राइड किया था तो हमें काफ़ी अच्छा माइलेज मिला था। तो ओवरऑल देखा जाए तो 160cc में ये एक बहुत ही परफेक्ट बाइक है जिसमें आपको बहुत ही अच्छा माइलेज मिल जाता है सिटी और हाईवे दोनों में, और ये बाइक फैमिली के लिए भी बहुत ही बेहतर है। तो जैसा कि आपने देखा आज मैंने हाईवे में इस बाइक को आपके लिए थोड़ा बहुत राइड किया, तो आइए आपके साथ अपना एक छोटा सा राइडिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम होंडा यूनिकॉर्न के इंजन के बारे में जान लेते हैं। इस बाइक के इंजन में दोस्तों आपको 162.7 सीसी का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर 12.91 PS का पावर और मैक्सिमम टॉर्क 14 Nm का मिलता है, जिससे आपको इस बाइक में काफ़ी अच्छा पिकअप मिल पाता है। और बाइक को राइड करते समय आपको दोस्तों इस बाइक का इंजन काफ़ी स्मूथ महसूस होगा, और साथ ही इस बाइक को राइड करते समय आपको इस बाइक का क्लच और गियर लीवर काफ़ी सॉफ्ट महसूस होगा। साथ ही इस बाइक का सेटिंग पोस्चर बहुत ही अच्छा है, और आज मैंने इस बाइक को 80-85 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में हाईवे में राइड किया, और मैंने देखा कि इस बाइक के हैंडल बार में आपको 80-85 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं मिलता है। साथ ही एक फैमिली पर्सन के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस बाइक में आपको काफ़ी लार्ज एंड कम्फर्टेबल सीट मिल जाता है। और सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में आपको एडजस्टेबल मोनोशॉक ऑब्जर्वर मिलता है, जो सिटी और हाईवे दोनों में राइड करने के लिए बहुत ही बेहतर बनाया गया है। और हाईवे में आज राइड करते समय मुझे इस बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छा लगा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS के साथ इसके फ्रंट में 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, जो बाइक को राइड करते समय आपको इसका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत बेहतर महसूस होगा। साथ ही इस बाइक में आपके सेफ्टी के लिए साइड स्टैंड इंजन का टफ स्विच भी मिल जाता है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, जैसे 85 kg से ज़्यादा, और आप अपने लिए एक 150-160cc बाइक लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी होंडा यूनिकॉर्न बहुत ही बेहतर रहेगा। साथ ही अगर आपका हाइट 6 फीट से ज़्यादा है और आप अपने लिए एक बाइक लेना चाह रहे हैं 150-160cc, तो उनके लिए भी होंडा यूनिकॉर्न बहुत ही बेहतर रहेगा। और वीडियो में मैं आपको बहुत बार पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक परफेक्ट फैमिली बाइक है, जिसे आप अपने सिंगल यूज़ के साथ अपने फैमिली के साथ भी यूज़ कर पाएंगे। और अगर आप किसी ऐसे बाइक की तलाश में जिसे अपने घर से वर्क प्लेस में जाने के लिए आपको एवरीडे सिंगल साइड में अगर 60-70 किलोमीटर राइड करना पड़ता, मतलब हर दिन आप 100 किलोमीटर से ज़्यादा राइड कर रहे हैं, तो उनके लिए भी होंडा यूनिकॉर्न बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ये वाकई में बाइक को राइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही कम्फर्टेबल बाइक है।
तो आज मैं आपसे ज्यादा बातें नहीं करूंगा। तो अगर आप दोस्तों जमशेदपुर इसके आसपास से हैं और इस बाइक का टेस्ट राइड या फिर इसे परचेस करना चाहते हैं अच्छे ऑफर में, तो आप दुआ होंडा में आ सकते हैं। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। साथ ही मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर किया कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें।